हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कुछ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, उसके विषय पे बात करने वाले इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है टॉप 20 कॉलेजेस पुणे के, ठीक है। हर एक कॉलेज का कट ऑफ एक्सप्लेन किया जाएगा, प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया जाएगा, वह हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज एक्सप्लेन किया जाएगा, फीस एक्सप्लेन की जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे रखना ताकि वो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर्म आता है तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले सीईटी सेल की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है उस विषय के ऊपर, ठीक है। तो जो अपडेट आई है सीईटी सेल की तरफ से वो ये है कि आपका 27 जून से दो दिन के लिए आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप आपके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो अच्छे से, जो जो आपने चीजें की है वो आप अच्छे से देख सकते हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने वाले उसके ऊपर बात करते हैं अभी, ठीक है। क्या आपका एडमिशन प्रोसेस कितना डिले होगा, उन सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। न्यू डेट्स क्या क्या हो सकती है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन अभी सिर्फ 2 से 3 दिन तक ऑन रहेगी। तो जिसको पर्सनल काउंसलिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, ठीक है। पर्सनल काउंसलर आपको मिलेगा जो आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा, आपकी परसेंटाइल, कट ऑफ, कैटेगरी, आपको जिस सिटी में चाहिए, जिस ब्रांच में चाहिए, सारी आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आपकी एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाएगा। वही कॉलेज लिस्ट आपको कैंप राउंड में सबमिट करनी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आपको ध्यान से आपका काउंसलर चूज करना है। और ये लास्ट मोमेंट है बेटा, जहां पे आपको एक भी गलती नहीं करनी है, इसीलिए हर एक चीज काउंसलर से पूछ लेना। और हर एक कॉलेज के बारे में जो जो लिस्ट में कॉलेजेस आएंगे, काउंसलर जो जो आपको लिस्ट देंगे, उनको ध्यान से समझ के आपको अपलोड करनी है, ठीक है। ऐप में सारे लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते रहेंगे। कुछ भी समस्या है आपको काउंसलिंग के संबंधित तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत करना, कॉल नहीं रिसीव हो पाते तो व्हाट्सएप कर देना जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है उससे, ओके। बात करते हैं अभी आपकी जो डेट रजिस्ट्रेशन कैप राउंड के लिए कब होगा। तो जैसा कि सीईटी सेल ने अभी बोला है कि 27 जून तक तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑन होने से रहा, तो 27 जून, 28 जून, 29 जून तक तो आपका सीईटी का आंसर की दिखेगा। उसके बाद अगर किसी बच्चे को 150 नंबर आ रहे, 160 नंबर आ रहे और उसमें उसको 20% 25% सच में मिला है, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि 150-160 मार्क्स पे 20% आना इट्स नॉट पॉसिबल। बच्चे सच में सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे ये भी अभी टेस्ट होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को सच में ऐसा हुआ है, जिनके 170-180 मार्क्स आए, जिसके 20% आए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। सीईटी सेल कॉन्फिडेंट है इसीलिए वो फिर से आंसर की रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो बच्चे फिर से अपना वॉइस रेस करेंगे, कुछ पॉलिटिकल चीजें आएंगी इसमें, कुछ यूट्यूबर्स आएंगे, तो इन सब चीजों से आपका टाइम और भी डिले हो सकता है। क्योंकि सीईटी सेल से जवाब मांगा जाएगा, अगर 180 मार्क्स पे 20% आ रहे हैं तो जवाब मांगना पड़ेगा। अगर 70 मार्क्स है और उसमें 30-40% आ रहे हैं तो वहां पे कंसिडरेबल चीज रहेगी कि हाँ चलो शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल आसान हो सकती है। तो जो चीजें एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर जरूर लोग आवाज उठाएंगे, तो उसमें टाइम जाएगा आपका। जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, जो रजिस्ट्रेशन डेट कब स्टार्ट होगी, वो अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या बाकी क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो प्रोसेस है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। जो एक्सपेक्टेड थी वो 25 जून से ही थी, लेकिन इन सब चीजों के कारण ये जो अभी सीटी का जो नया ये है आपका आंसर की वगैरह, तो उसके हिसाब से आपकी चीजें डिले हो रही थोड़ी, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, सीटी सेल आगे आके सीटी सेल ने सारे क्लैरिफिकेशन देने के लिए रेडी हो गई सीटी सेल, ठीक है। कि बच्चों के सच में कम मार्क्स आए हैं या जो बच्चे दावा कर रहे हैं कि हमारे 180 मार्क्स पे 20% आए, 30% आए, हमारे 120 मार्क्स पे हमारे 5-10% बन रहे, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए सीटी सेल आंसर की आपको रिलीज कर रही है। तो आप देखना, आपके मार्क्स पहले कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से एक्शन लेना। ऐसे नहीं कि आपके 70 मार्क्स आ रहे और आपको 65% मिल रहे तो भी आप एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं। उस केस में आपकी शिफ्ट आसान हो सकती है, दैट कैन बी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आप अगर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है तो ही आप मुझे मैसेज करो या फिर किसी भी टीचर, यूट्यूबर को मैसेज करो, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनती वो चीज। और
यही सारी चीज़ें थी। आपका प्रोसेस डिले हो सकता है 1 से 10 जुलाई के बीच में, मे भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर वो आ सकती है। अभी के लिए तो कुछ भी शेड्यूल सिटी सेल की तरफ से नहीं आया है। मैं अभी ये वीडियो अराउंड आज 12 बजे बना रहा हूँ, ठीक है, तो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन के संबंधित कुछ भी अपडेट नहीं आई, ठीक है। तो जो भी कुछ अपडेट आ जाएगी मैं आपको ज़रूर व्हाट्सएप, इस व्हाट्सएप वीडियो द्वारा, इस चैनल द्वारा मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। आई होप अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, प्लीज़ काउंसलिंग में रजिस्टर हो जाना। अभी ये मौका आपका फिर से नहीं आने वाला है, लास्ट मोमेंट है, हर एक चीज़ आपको कॉलेज लिस्ट वगैरह सारी काउंसलर से बनवा लेनी। खत्म करता हूँ मैं वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।